गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो मेंस आंसर राइटिंग की क्लास होगी, ठीक है। पहले मैं इसमें हम दो क्वेश्चन जो है वो हम कवर करेंगे। पहले हम जो है दो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, देन आप वीडियो जो है उसको पॉज करके अपने आंसर जो है वो फ्रेम कर लीजिएगा, एंड देन उसके बाद जो है इसके आंसर जो है वो मैं आपको लिखवा दूँगा, ठीक है। लिखो क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन जो है वो देखेंगे हम इसमें। तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग, ऑफ मिलियन सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग द स्मार्ट वंस लाइक हैदराबाद एंड पुणे फुल स्टॉप, सजेस्ट लास्टिंग रिमेडियल REMEDIAL रिमेडियल मेजर्स। 2020 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मेंशन कोर स्ट्रेटजीज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कन्वर्जेंस कॉमा कोलैबोरेशन एंड कॉम्पिटिशन फॉर इट्स सक्सेस। 2018 का क्वेश्चन है ये। तो अब जो है आप वीडियो अपनी पॉज करके अपने आंसर्स जो है वो फ्रेम कर लो, ठीक है। मीन वाइल मैं आपको आंसर जो है वो लिखवा देता हूँ। जैसे ही आप अपने आंसर जो है फ्रेम कर लेते हो, वीडियो को जो है वो रिज्यूम करके आप अपने आंसर जो है उनको मैच आउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो आपने एक्स्ट्रा डाले हैं और कौन कौन से पॉइंट जो है वो आपने मिस किए हैं, वो उनसे यहाँ से जो है वो आप मैच आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग of million cities in India, including the smart ones like Hyderabad and Pune, full stop, suggest lasting remedial measures. 2020 का क्वेश्चन था ये, इंट्रो लिखो इसकी। अर्बन फ्लडिंग हैज बिकम अ कॉमन अक्रेंस these days in India. Full stop. Several cities have suffered catastrophic flooding situations over the past few years. Full stop. The latest victim of flooding were Hyderabad and Pune. Full stop. According to recent studies, more than 50% of smart cities in India are prone to floods. Full stop. Para change करके एक heading बनाओ, लिखो some of the most common reasons for frequent flooding in urban India are as below. Colon डाल लो और इस सारे को underline कर लो। चार पॉइंट्स बनेंगे इसके, बुलेट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट बनाओ, इनएडिक्वेट ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉलन डालो, इसमें लिखो सिटीज लाइक हैदराबाद, मुंबई रिलाय ऑन
अ सेंचुरी ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम. कॉमा कवरिंग ओनली ए स्मॉल स्मॉल पार्ट कवरिंग ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द कोर सिटी. स्मॉल पार्ट ऑफ द कोर सिटी फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट टेरेन ऑल्ट्रेशन. टेरेन ऑल्ट्रेशन टी ई डबल आर ए आई एन टेरेन ऑल्ट्रेशन ए एल टी ई आर ए टी आई ओ एन टेरेन ऑल्ट्रेशन. देखो इसमें कॉलन डालो. लिखो इसमें लास्टिंग इरिवर्सिबल डैमेज. लास्टिंग इरिवर्सिबल डैमेज हैज बीन डन टू द सिटी. हैज बीन डन टू द सिटी बाय प्रॉपर्टी बिल्डर्स कॉमा प्रॉपर्टी ओनर्स and public agencies by flattening terrain and altering natural drainage routes 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 full stop. नेक्स्ट पॉइंट रिड्यूसिंग सीपेज. लिखो इंडियन सिटीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्परवियस. आई एम पी ई आर वी आई ओ यू एस इम्परवियस ओ यू एस इम्परवियस टू वाटर फुल कॉमा नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग बिल्डअप बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल्स यूज्ड विच इज हार्ड कॉमा नॉन पोरस. हार्ड कॉमा नॉन पोरस फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट लैक्स इंप्लीमेंटेशन. इसमें लिखो इवन विद प्रोविजंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉमा सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज एटसेट्रा इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स like the environmental impact assessment, adoption at user end, as well as enforcement agencies remains weak. फुल स्टॉप. पैरा चेंज करके एक हेडिंग बनाओ. लास्टिंग रिमेडियल मेजर्स टू काउंटर फ्लड्स. लिखो countering urban floods is not possible through one size fits all approach as geological reasons
resulting in floods are different for different cities. Full stop. Following steps can be taken to mitigate the frequent urban flood situations. In million plus cities. Bullet points for now. First point, in case of South Indian cities, especially like Hyderabad and Chennai, flooding takes place mainly due to sudden downpour sudden downpour caused by cyclonic activities. Full stop. To reduce the events of floods, the need is to clear the critical areas like water bodies from encroachments. Full stop. Next point. In Himalayan areas, cloudburst events, especially during monsoon season, result in flash floods. Full stop. To counter the same, check dams, small scale leaves, and sandbag embankments, embankments, embankments need to be developed. Full stop. Increasing the width and base level of river flow will increase downstream flow and prevent overflowing of rivers. Full stop. In case of cities like Patna and Kolkata lying in plain areas, the normal riverine floods occur, which are comparatively easy to predict and counter. Full stop. The need is to construct a sponge city with a large number of gardens, parks
कॉमा वेटलैंड्स एंड फ्लड प्लेन्स नियर बाय एंड यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू डाइवर्ट सरप्लस वाटर फ्रॉम द सिटी फुल स्टॉप. दिस विल नॉट ओनली रिचार्ज depleted aquifers, this will not only recharge depleted aquifers, 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 but also prevent the fast changing hydrology of the rivers, Full stop. कंक्लूजन लिखो. शॉर्टकमिंग्स इन अर्बन प्लानिंग एंड पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड बॉडीज हैव रिजल्टेड इन damaging the existing infrastructure of cities which ultimately results in flood situations. Full stop. The government through public-private partnership, PPP, should try to address the problem at the earliest. Full stop. Next question था आपका. Mention the core strategies for the transformation of aspirational districts in India and explain the nature of convergence, collaboration and competition for its सक्सेस. 2018 का क्वेश्चन था ये. इंट्रो लिखो इसकी. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम इस सारे को कोट अनकोट में कर लो. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम एम्स टू expeditiously improve the socio-economic status of 117 districts from across 28 states. Full stop. The program focuses on five main themes. कौन-कौन से हैं? लिखो. Health and nutrition, education, agriculture and water resources, financial inclusion and skill development, and basic infrastructure, which have direct bearing on the quality of life and economic productivity of citizens. Full stop. Para change karke ek heading banao. Core strategies of the program are
फर्स्ट लिखो वर्क ऑन स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, वर्क ऑन स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट लिखो मेक डेवलपमेंट्स, सॉरी मेक डेवलपमेंट make development as a mass movement, make development as a mass movement in these districts, in these districts. Third likho identify low hanging fruit and the strength of each district and the strength of each district to act as a catalyst for development. Full stop. Next point, measure progress and rank districts, measure progress and rank districts to spur a sense of competition. Full stop. Next point. Districts shall aspire to become states best to nations best. STATE Cost of years, states best to nations best. Full stop. Next point, para likho. The three core principles of the program, that is convergence. ब्रैकेट में लिखो ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स. ब्रैकेट क्लोज, कॉमा कोलैबोरेशन. ब्रैकेट स्टार्ट करो. अमंग सिटीजंस एंड फंक्शनरीज FUNCTIONARIES फंक्शनरीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स including district teams. ब्रैकेट क्लोज कर दो. एंड कॉम्पिटिशन अमंग डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन एनवीसेज्ड ENVISAGED envisaged for the success of the program. Full stop. Para change करके लिखो. Nature of convergence, comma collaboration and competition. लिखो इसमें bullet points बनाओ. First लिखो The aspirational districts program is a product of collective and collaborative effort in which states are the main drivers. Which are being anchored by Niti Aayog. Full stop. Next point. In addition, individual ministries as well as administration of respective district. Have assumed responsibility to
ड्राइव प्रोग्रेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ड्राइव प्रोग्रेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, फुल स्टॉप। फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट अ सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर, अ सेंट्रल प्रभारी PRABHARI प्रभारी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ, ऑफ द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी SECRETARY सेक्रेटरी हैज बीन नॉमिनेटेड, हैज बीन नॉमिनेटेड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट्स हैव बीन, स्टेट्स हैव बीन रिक्वेस्टेड टू फॉर्म, रिक्वेस्टेड टू फॉर्म अ कमेटी अंडर, कमेटी अंडर चीफ सेक्रेटरी, कमेटी अंडर चीफ सेक्रेटरी टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, फुल स्टॉप। स्टेट्स हैव ऑल्सो नॉमिनेटेड, स्टेट्स हैव ऑल्सो नॉमिनेटेड नोडल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स एंड ऑल्सो स्टेट लेवल प्रभारी ऑफिसर्स, स्टेट लेवल प्रभारी ऑफिसर्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, एन एम्पावर्ड कमेटी, एन एम्पावर्ड कमेटी अंडर द कन्वेनरशिप, CONVENERSHIP कन्वेनरशिप ऑफ, ऑफ CEO, CEO, कॉमा नीति आयोग हैज बीन, नीति आयोग हैज बीन नोटिफाइड टू, नीति आयोग हैज बीन नोटिफाइड टू इंश्योर कन्वर्जेंसेस, इंश्योर कन्वर्जेंसेस इन स्कीम्स, इन स्कीम्स एंड एड्रेस, एंड एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज, स्पेसिफिक इश्यूज ब्रॉट आउट बाय, ब्रॉट आउट बाय प्रभारी ऑफिसर, प्रभारी PRABHARI प्रभारी ऑफिसर्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग, नीति आयोग इन पार्टनरिंग, नीति आयोग इन पार्टनरिंग रिलीजेस डेल्टा रैंकिंग, रिलीजेस डेल्टा रैंकिंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स, फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स, फुल स्टॉप। द पर्पस ऑफ दिस रैंकिंग इज, द पर्पस ऑफ दिस रैंकिंग इज टू स्पर SPUR, टू स्पर अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, टू स्पर अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग, अमंग डायनेमिक टीम्स इन डिस्ट्रिक्ट्स, अमंग डायनेमिक टीम्स इन डिस्ट्रिक्ट्स, फुल स्टॉप। कंक्लूजन लिखो, एज पर UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एज पर UNDP's apostrophe S, UNDP apostrophe S, UNDP's 2018 Human Development Index, Human Development Index, wherein India is ranked, wherein India is ranked 130 out of 189 countries, 130 out of 189 countries comma there are significant
इंटरस्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटीज, इंटरस्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटीज, फुल स्टॉप, बाय अपलिफ्टिंग द डिस्ट्रिक्ट्स, बाय अपलिफ्टिंग द डिस्ट्रिक्ट्स, which have shown relative lesser progress in achieving key social outcome, comma, India can move ahead in the human development index, which will promote inclusive development through transformative governance. तो इसी के साथ जो है हमारे अर्बनाइजेशन के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी वो होगी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो है जो क्वेश्चन जो है अब जो हमारी नेक्स्ट मेन्स आंसर राइटिंग की क्लास होगी उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए यूपीएससी में वो जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो अभी तक जो है वो पूछे गए हैं, तो वो जो है जो नेक्स्ट मेन्स आंसर राइटिंग की क्लास होगी उसमें हम जो है वो देख लेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।